फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ कि सैलरी क्लास में जो डिडक्शंस होते हैं चैप्टर 6 में जिसके बारे में बताया गया है, तो मैं आज उसके बारे में 80C से लेके 80U तक बात करने वाला हूँ। साथ के साथ ये भी समझने वाले हैं कि डिडक्शन की लिमिट क्या है, कैसे क्लेम करते हैं, किस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं और अपने सैलरी का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए। तो आज का हमारा जो पूरा वीडियो है वो इसी पे रहेगा कि ATC से लेके ATU में क्या क्या डिडक्शंस हैं, उसको क्लेम करने की क्या बारीकियां हैं, किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, उसकी लिमिट क्या है और आप अपने टैक्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि आप अपना टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और कम TDS कटा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ATC से कि जो ATC एक सबसे बेसिक आपका सेक्शन है जो कि हर कोई जानता है कि ATC में क्या है कैसे, फिर भी उसमें हम आज बताएंगे कि क्या लिमिट है और कौन कौन से प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। तो पहली बात जो अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें और असेसमेंट ईयर 2020-21 की बात करें, यानी कि जो आने वाला साल है, जो ये साल चल रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ATC की जो लिमिट है एग्जिस्टिंग वो 150,000 की है। अभी NPS को काउंट ना करें, NPS की बात हम आगे करेंगे। तो 150,000 जो लिमिट अभी दी गई है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं एक बार मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो PPF आता है, अगर आपने किसी भी तरह का PPF लिया हुआ है वो आता है, कोई LIC प्रीमियम दिया है वो आता है, अगर आपने किसी बच्चे के एजुकेशन फी यानी ट्यूशन फी दिया हो तो वो आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जो ट्यूशन फी होता है वो मैक्सिमम लिमिट 2 बच्चों तक की होती है। अगर आपके बच्चे 2 से ज्यादा है तो आप 2 तक का ही क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकते। साथ के साथ अगर आप प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं होम लोन का, उसका भी बेनिफिट ATC के अंतर्गत ही लिया जाता है, यानी कि जो कैपिटल आप वापस बैंक को देते हैं वो इसी का पार्ट होता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि स्कीम जो कि अभी लॉन्च हुआ था, अगर आप उसमें भी पैसा लगाते हैं वो भी आपके 150,000 के जब सम टोटल होता है उसका पार्ट होता है। साथ के साथ जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर कोई जानता है, म्यूचुअल फंड, हमने भी इस पर बहुत बहुत तरह की वीडियो बनाए, आप वो हमारे आर्काइव में या हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि अगर इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड है तो उसका बेनिफिट, याद रखिएगा हर म्यूचुअल फंड ATC में कवर नहीं होता है। ये हमने बेसिकली देखा है कि लोगों को लगता है कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो वो टैक्स सेविंग, एकदम नहीं है। स्पेसिफिक होना होगा कि जो ELS स्कीम्स होते हैं केवल उसी पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। साथ के साथ अगर FDR जो फिक्स डिपॉजिट होता है 5 ईयर्स लॉकिंग वाले टैक्स सेविंग, अगर आपने उसमें भी पैसा लगाया तो वो भी आपका 150,000 में काउंट होता है। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ऑफिस से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC लिया है वो भी इसी में काउंट होता है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के भी FDRs आते हैं जो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स टाइप के होते हैं, अगर आपने उसमें भी किया तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ के साथ इसके अलावा बहुत भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि और भी गवर्नमेंट के नोटिफाइड होते हैं, आप उसमें भी पैसा लगा के आप अपने सेविंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ATC में पैसा लगाना तो एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे जो कि हमेशा हमने अपने पुराने वीडियो में बताया, आप टैक्स सेविंग तो करें बट वेल्थ मैनेजमेंट भी पहले प्लान करें, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1.5 लाख का, पहले वेल्थ की प्लानिंग करें फिर टैक्स की प्लानिंग करें। जनरली क्या होता है कि हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, वेल्थ प्लानिंग नहीं करते, यानी कि लास्ट मोमेंट पे गया और टैक्स में जो भी बेनिफिट मिला हमने लगा दिया, आप उसमें लॉन्ग टर्म पे आप बहुत ही ज्यादा नुकसान ले रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप टैक्स प्लानिंग करें पहले वेल्थ की प्लानिंग करें, कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है और किसका बेनिफिट बहुत अच्छा है, इस पे हमने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा ATCC की बात करते हैं, पेंशन प्लान, अगर आप किसी पेंशन प्लान में भी पैसा लगाए वो भी आपका 150,000 का जो लिमिट है उसी में कवर होता है। उसके अलावा ATCCD है, वो भी पेंशन से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर आप उसमें भी पैसा दे रखा है वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। साथ के साथ अगर हम NPS की बात करें तो NPS भी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है जो कि 150,000 के अलावा ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है जो कि ATCCD के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आपने 150,000 वहां पे बेनिफिट लिया, उसके अलावा अगर आपने NPS में पैसा लगा दिया है तो वो भी आपको 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी कि अगर आप ढंग से प्लान करें तो 2 लाख रुपए तक का आपको कोई टैक्स मतलब बेनिफिट इसी ATC में ही हो सकता है। 2 पार्ट हो गए, एक तो ATC हो गया और ATCCD हो गया जिसमें 50,000 का NPS हो गया, यानी कि टोटल कंपोनेंट की अगर बात करें तो 150,000 प्लस 50,000 आपको बेनिफिट मिल जाता है।
उसके अलावा है ATCCG, ये राजीव गांधी इक्विटी स्कीम है जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये उनके लिए जो पीछे से कैरी कर रहे हैं, अदरवाइज इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। आपको नए असेसमेंट या जो ये साल चल रहा है, अगर आप राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो ये ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो इसमें बात करने का कोई मतलब नहीं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ETD जो मेडिकल का है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जो भी मेट्रो और इस तरह की सिटी में रहता है, मेडिकल एक्सपेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है, तो मेडिकल के लिए ATD में इस साल प्रोविजन भी चेंज किया गया। तो पहले बात करते हैं इसकी बेसिक लिमिट की। अगर आपकी फैमिली में आप हैं और आपके पेरेंट हैं जो कि एज 60 के नीचे हैं, तो 25,000 आपके लिए, 25,000 आपके पेरेंट के लिए, यानी कि टोटल बेनिफिट 50,000 का ले सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप तो 60 के नीचे बट आपके जो पेरेंट हैं वो 60+ है, उस केस में आपके लिए 25,000 का और 50,000 आपके पेरेंट के लिए हो जाते हैं, यानी कि 75,000 रुपीज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन भी, मैं भी 60+ हूं और मेरी फादर और जो पेरेंट है वो भी 60+ है, इस केस में 50+50 यानी कि 1,00,000 का बेनिफिट मिल जाता है। तो जनरली मेडिकल लोग, मैंने देखा है कि बहुत लोग मेडिकल प्लान नहीं लेते। देखिए, मेडिकल प्लान लेने का दो फायदा हो जाता है, एक तो आपको फायदा टैक्स सेविंग का ही है, अगर किसी तरह का रिस्क कंटीजेंसी होता है तो उसमें भी ये बहुत ही मदद करता है। लेकिन मेडिकल प्लान लेते समय आप बहुत बातों का ध्यान रखें, क्योंकि मेडिकल में बहुत ही कहते हैं ना झोल है, बहुत ही झोल, अगर आपको पता नहीं है तो आप गलत प्रोडक्ट बाइंग कर सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। हमने स्पेशली हेल्थ को लेके भी वीडियो काफी बनाया, तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। अब बात करते हैं ATE। ATE क्या है? एजुकेशन लोन के लिए बात किया गया कि अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया हुआ है तो इसके जो बेनिफिट है आप क्लेम कर सकते हैं। ये 8 साल तक आप क्लेम कर सकते हैं जब से आपने फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट किया हुआ है। ये ATS में, इसमें कोई कैपिंग नहीं होती, आपने जो भी पे किया आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये आपके लिए रिलेवेंस इसलिए नहीं है कि एक बहुत पर्टिकुलर टाइम के लिए आया हुआ था, पता नहीं इसका लॉजिक तो हमें नहीं समझ में आया कि वो उस डेट के बीच में ही है। ये सेक्शन ATEE बात करता है, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, इसके तीन कंडीशन थे। पहली थी कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50,00,000 से कम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी आपका पहला हाउस होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन था कि जो लोन अमाउंट है वो 35,00,000 के नीचे होना चाहिए, और इसमें एक चौथा कंडीशन जो कि मैं बता रहा हूं कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब ये बेनिफिट देना तो सबको देना चाहिए था, अगर आपने 1/4/2016 से 31/3/2017 के बीच में अगर ये लोन लिया है तभी ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये 50,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बेनिफिट है। सेक्शन 24 है जो कि हम अपने अलग वीडियो में बात करेंगे, वो स्पेशली डेडिकेटेड है कि अगर आपने होम लोन पे किया है तो, बट ये उससे कोई मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा 50,000 का और बेनिफिट ATEE में दिया गया है। साथ के साथ आजकल बड़ा मैं देख रहा हूँ बहुत आर्टिकल चल रहा है कि आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं बिना ATC में इन्वेस्ट किए हुए। खैर, उस पर तो मैं कोई कॉमेंट नहीं करूंगा, वो ऐसे ऐसे सेक्शन है जो कि आपके अप्लीकेबल नहीं होते, और लोगों ने उसको बहुत वीडियो बना बना के डाला है। अभी मैं किसी टीवी चैनल के शो पे भी था तो यही उनका डिस्कशन था कि हाउ टू सेव टैक्स विदाउट इन्वेस्टिंग ATC। पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ही रियर टू रेयरेस्ट केसेस में वो कॉम्पोजिशन है, तो उस तरह की चीजों से थोड़ा सा दूर रहेंगे और रियलिस्टिक अप्रोच अपना है रादर की वो जो चल रहा है उसके हिसाब से। उसमें एक सेक्शन में इस पे डिस्कस करने वाला हूं, ATEE। ATEE क्या कहता है? डिसेबिलिटी। भगवान ना करे आपके घर में किसी की डिसेबिलिटी हो, इस सेक्शन का बेनिफिट भी ना ले, बट ये बहुत रियर है जिनकी डिसेबिलिटीज है और उसके लिए बेनिफिट दिया गया है। उसमें जो लिमिट है, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% to 80% है तो 75,000, अगर उससे ज्यादा है तो 1,25,000 की बेनिफिट है। अब एक सो इसी पे चल रहा है कि आप कैसे ये टैक्स सेव कर सकते हैं बिना ATEE में इन्वेस्ट किए, ये कितने लोगों पे अप्लीकेबल है? और भगवान ना करे आप पे अप्लीकेबल हो, मैं तो ये भी कहूंगा, तो ये बहुत रियल लोग हैं जिन पे ये डिसेबिलिटी का क्लॉज अप्लीकेबल होता है। अब इसमें पॉइंट आता है कि डिसेबिलिटी कैसे पता चलेगा। देखिए, इसमें होता क्या है ना कि आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहां पे जो डॉक्टर होता है वो आपके डिसेबिलिटी को डिफाइन करता है, उसका अपना एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली वो बताते हैं कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट दिया गया है, यानी कि 75,000 से 1,25,000 तक के एक्सपेंसिस आपको अलाउड है, आप कुछ भी करते हैं तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन
जिसने भी 80 डबल डी का बेनिफिट ले लिया वो 80 यू का बेनिफिट नहीं लेगा, क्योंकि 80 यू भी इसी तरह का एक सेक्शन है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। यानी कि 75,000 और 125,000 का बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन है 80DDB, ये भी उस दिन मैं शो पे था तो मुझे इस पे भी बात की गई कि ये भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं जनाब? ये स्पेशल सेक्शन है जो एड्स और कैंसर के लिए, कहने के पहले भी लोगों को सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है। ये सेक्शन बहुत स्पेसिफिक है और ये उसके लिए जिसको एड्स और कैंसर जैसी बहुत खतरनाक बीमारियां हैं और आप कह रहे हैं कि आप इसके थ्रू टैक्स सेव कर सकते हैं, कहने के पहले उस लॉजिक को भी आदमी को सोचना चाहिए। खैर मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। फिर इसमें जो बेनिफिट है वो 40,000 है और सुपर सीनियर और सुपर सीनियर के केस में वो 1,00,000 का बेनिफिट है। अगर इस तरह उसके अलावा कुछ और सेक्शंस हैं जो कि आप कह सकते हैं न्यूरो रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं जो सेक्शन 11DD में डिफाइन है, तो उसकी भी लिस्ट है। तो अगर उस तरह की मतलब आप कैसे बहुत क्रिटिकल बीमारी है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं 40,000 से 1,00,000। 40,000 यानी कि नॉर्मल, और अगर सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा 80U जो कि अभी मैंने बात किया था डिसेबिलिटी की, उसमें दो कंडीशन है। एक है कि नॉर्मल डिसेबिलिटी है, उस केस में आपका 75,000 है। अगर बहुत ज्यादा है, बहुत क्रिटिकल है, उस केस में 1,25,000 है। जो कि अगर आप देखें कि जो 80DD की मैंने बात की थी वो सेम चीज है, तो आप एक ही बेनिफिट ले सकते हैं, दोनों बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं 80GG। एक बड़ा इस सेक्शन के साथ ही बड़ी कंफ्यूजन है। सेक्शन क्या है कि अगर आपने एचआरए क्लेम नहीं किया है तो 5,000 पर मंथ मैक्सिमम लिमिट 60,000 तक का एचआरए क्लेम 80GG में हो सकता है। अब लोग क्या करते हैं कि एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं, कर लेते हैं और 80G भी करते हैं। टेक्निकली बहुत गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप टैक्समैन की निगाह में हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आज की डेट में जो बहुत ऐसे सेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज कर रहा है जो कि आपको अच्छा खासा छोटे से 60,000 के बेनिफिट के लिए इतना परेशान कर सकता है कि आप उतना सोच भी नहीं सकते, तो इस तरह की गलती करने से आप बचें। यानी ये तभी एप्लीकेबल है 80GG जब आप एचआरए क्लेम नहीं कर रहे हैं, और उसके अलावा और भी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है कि आप एचआरए क्लेम नहीं कर रहे तो आप ये बेनिफिट 60,000 का ले सकते हैं, 5,000 रुपए पर मंथ मैक्सिमम यही है। इसके अलावा बात करते हैं थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी। आजकल पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ तो बहुत हो गए हैं और आजकल लोग भी बहुत चंदे भी दे रहे हैं। तो 80GG C एक नया सेक्शन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसमें कोई कैपिंग नहीं की गई है, कोई कैपिंग नहीं है, लेकिन कैश नहीं दे रहा है, तो आप 80GG C का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को कुछ फंड दिया है तो आप वो भी टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट बहुत सेक्शन है जो कि जनरली लोग मिस कर जाते हैं। एक तो 80TTA और 80TTB। 80TTA कहता है कि अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो 10,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन 80TTB है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है, उनको 50,000 तक का बेनिफिट दिया गया है। यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनको 50,000 तक के इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं है, आप उसका बेनिफिट टैक्स है मतलब आप इसका बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं, जो अदर इनकम में दिखेगा उसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा 80G है जो कि डोनेशंस का सेक्शन है। 80G कहता है कि उसमें अलग अलग 100%, जैसे कि 100% प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, नेशनल डिफेंस फंड है, प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड है, अफ्रीका फंड है, नेशनल फाउंडेशन कॉमनल हारमोनी है, इस तरह के अलग अलग सेक्शन है जिसमें आप 100% ले सकते हैं। 50% में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, इस तरह के अलग अलग है। तो 80G में आप डोनेशन देके बेनिफिट इसका ले सकते हैं, लेकिन डोनेशन देने में एक चीज याद रखिएगा कि अब जो नया जो डोनेशन का सिस्टम हो गया तो कैश नहीं देना है, साथ के साथ उनके पैन की डिटेल भी आप अपने पास रख लीजिएगा। साथ के साथ जब आप डोनेशन देते हैं तो एक रिसीट देते हैं, उस रिसीट को भी अपने साथ जरूर रखिएगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट तो ले लेंगे लेकिन परेशानी आपको हो सकती है। अब दो और सेक्शन, एक बहुत छोटा सा है उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो 80RRB। 80RRB कहता है कि रॉयल्टी ऑन पेटेंट, अगर आपने कोई चीज इन्वेंट किया हुआ है और उसके लिए कोई रॉयल्टी आपको मिल रही है तो वो 100% एग्जम्प्ट है अप टू 3,00,000 रुपीज। यानी कि 3,00,000 तक का अपर कैप है। अगर आपको उस तरह की कोई चीजें मिल रही हैं जो आपने इन्वेंट कर रखा है तो 3,00,000 रुपए तक को आपको कोई टैक्स नहीं देना। दूसरा 80QQB। ये QQB क्या कहता है कि अगर आपने कोई बुक लिखा हुआ है, कोई बुक, उस केस में भी आपकी जो
कॉपीराइट आपके पास है तो अगर आपको लमसम मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम कैपिंग 3 लाख है। लेकिन एक चीज याद रखिए, बुक के मामले में बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि अगर आपने ब्रोशर डिजाइन किया है, उसके अलावा कोई कमेंट्री डिजाइन किया है, डायरी लिखा है, गाइड लिखा है, जर्नल लिखा है, मैगजीन लिखा है, न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट, टेक्स्ट बुक, स्कूल, इस तरह की चीजें लिखी है, तो आप ये बुक के कैटेगरी में नहीं आते हैं, याद रखिएगा। तो ये बेनिफिट आपको फिर नहीं मिल पाएगा। खैर आज के लिए इतना ही है और हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको देने की कोशिश की है, अगर आप टोटल अगर आप बेनिफिट का हिसाब देखेंगे ना, तो अगर आप ढंग से देखते हैं तो 10 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 10 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी एक वीडियो ही बनाया हुआ है कि 10 लाख तक नो टैक्स कैसे, वो वहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब सेक्शन का बेनिफिट मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं तो आप अच्छी खासी टैक्स सेव कर सकते हैं। 10 से 11 लाख रुपए तक पे आपको